गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं अशोक वशिष्ठ फिर से हाजिर हूँ एक और नया वीडियो लेकर टीचिंग के लिए। जैसा कि हम कॉमन इंग्लिश पढ़ रहे हैं, स्टार्टिंग से बिल्कुल मैंने स्टार्ट किया है ताकि जो भी स्टूडेंट देखे वो शुरुआत से अगर पहले वीडियो से देखेगा तो उसे पता चलेगा कि हम धीरे धीरे पहली सीढ़ी से लेकर अगली सीढ़ी तक जा रहे हैं। इसी तरह से हम जब कॉम स्किल यानी कम्युनिकेशन इंग्लिश यानी कि ट्रांसलेशन कॉम्पोजिशन वगैरह के बारे में सीख जाएंगे तो आप देखेंगे कि आप नॉर्मल ट्रांसलेशन पढ़ते पढ़ते ही आपको कॉम्पोजिशन लेटर्स एप्लीकेशन पैराग्राफ्स ये सब समझ में आने लगा है। तो जब ये सारी चीज़ पढ़ लेंगे तो जिस टाइम मैं कॉम्पिटिशन लेवल की इंग्लिश स्टार्ट करूँगा तो आपको एहसास होगा कि आपने बहुत कुछ ऑलरेडी सीख लिया है। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप स्टार्टिंग से सब कुछ देखें, कोई भी वीडियो मिस ना करें। टाइम लग सकता है, वीडियो कहीं नहीं जा रही है, आपको टाइम देना पड़ेगा। छोटी छोटी वीडियोस बनाते हैं ताकि आपको टाइम मिले। तो जिस तरह से हम कॉमन वर्ड्स देते हैं, देखिए पॉन्डर मीन्स विचार करना सोचना थिंक, रिफ्रेन परहेज करना, कंजर्व संरक्षण करना, सेव मीन्स बचाना, वेस्ट मीन्स बर्बाद करना, विन मीन्स जीतना, बैट मीन्स शर्त लगाना, रिकवर पुनः प्राप्त कर लेना, रिकवर रिकवरी करना किसी चीज की, डिफाइन मीन्स परिभाषित करना, डिफाइन दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को डिफाइन या इस आंसर को डिफाइन करो, रिकॉग्नाइज मीन्स पहचानना, पर सप्रेस मीन्स दबाव डालना, रिबेल विरोध करना, हैंग लटकना या लटकाना, प्रोटेस्ट मीन्स विरोध करना, प्रूव मीन्स साबित करना, एस्केप मीन्स बचना, अटेम्प्ट मीन्स प्रयास करना, बाक मीन्स भौंकना, प्रिटेक्स्ट मीन्स बहाना करना, प्रिटेंड मीन्स बहाना या दिखावा करना। एक और वर्ड हम अभी मुझे याद आ रहा है, अगेंस्ट, ए जी ए आई एन एस टी, अगेंस्ट मीन्स के खिलाफ। ओके, ये मैंने बोल भी दिया है लिख भी दिया है। तो जैसे दे वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट पॉलिसीज, या द फार्मर फार्मर्स आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट पॉलिसी, सरकार की पॉलिसी के खिलाफ किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। तो ये 20 वर्ड्स हैं, आप इन्हें देख लें, नोट कर ले, दैट्स दीज वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप ये पढ़ते रहेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा, क्योंकि बिना वोकैबुलरी के इंग्लिश का कोई मीनिंग नहीं होता है, आपको वोकैबुलरी का ध्यान देना ही पड़ेगा। सो स्टूडेंट्स बी केयरफुल, एंड मैं चाहूंगा कि आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, 100 अबव सब्सक्रिप्शन हमारे हो चुके हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं थैंक्स करता हूं सबको फिर से, और बड़ा आभारी हूं कि आप हमारी वीडियोस को वैल्यू दे रहे हैं, और डेफिनेटली आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। हर काम की वैल्यू होती है, शुरुआत में जब हम किसी चीज़ के लिए पहला कदम रखते हैं तो हमें प्रोग्रेस का पता नहीं चलता, उसका मीनिंग क्या होगा, उसके कुछ दिन बाद भी पता नहीं चलता, लेकिन जैसे ही हमारे स्टेप्स आगे बढ़ते हैं हमें धीरे धीरे पता लगने लगता है कि आखिर इसका वैल्यू क्या है। सो बॉयज, अभी हमने देखिए आपको बताया था इंग्लिश होता है आर्टिकल्स, आर्टिकल्स को डिटेल्स में पढ़ा, पार्ट्स ऑफ स्पीच बताया था, उसके बाद हमने डिटरमिनर्स आपको बताए, एंड देन वी ऑल्सो एक्सप्लेन्ड द कॉमन रूल फॉर ट्रांसलेशन, अफर्मेटिव नेगेटिव इंटरोगेटिव 1 and 2, हाउ टू राइट देम, हाउ टू आइडेंटिफाई। नाउ वी कम बैक टू द पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब देखिए दूसरा हिस्सा जो है इंग्लिश का आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, दो एवरीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अ लैंग्वेज, पार्ट्स ऑफ स्पीच इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। देर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओके, इंग्लिश में 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। नंबर 1 नाउन, नंबर 2 प्रनाउन,
नंबर थ्री वर्ब, नंबर फोर एडजेक्टिव, नंबर फाइव एडवर्ब, नंबर सिक्स प्रपोजिशन, नंबर सेवन कंजंक्शन, नंबर एट इंटरजेक्शन। देखिए आज में ये एट पार्ट्स ऑफ स्पीच है, इसमें सारी इंग्लिश है। धीरे धीरे हम सबको पढ़ेंगे, इनको पढ़ाते पढ़ाते बीच में मैं थोड़ा ट्रांसलेशन की तरफ भी लेता चलूंगा अपनी डिफरेंट वीडियोस में। मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज आज बताना चाहता हूँ। आप यूट्यूब पे जाएंगे, गूगल पे जाएंगे, एडवर्टीजमेंट देखेंगे और उसमें आपको मिलेगा हेडिंग बना के लिखते हैं बड़ा सा, 3 घंटे में इंग्लिश बोलना सीखें। कुछ लोग लिख देते हैं कि 30 मिनट में प्रोवर्ब्स सीखें, कुछ लोग लिख देंगे कि 1000 common words इन कॉमन सेंटेंसेस इन डेली यूज। तो लोग जो अनजान हैं, एक प्रोसेस है, हर चीज का एक प्रोसेस होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसे चुटकियों में 3 घंटे में इंग्लिश सीख लेंगे या 1000 common sentences ऑफ डेली लैंग्वेज डेली यूज आप पढ़ लेंगे तो आप बस समझ गए और आ गई इंग्लिश। ऐसा नहीं है। जीवन में कुछ भी आप काम करते आए हैं आज तक, क्या सब कुछ ऐसे हो गया है? नहीं। ये सबूत है इस बात का कि आज तक हर चीज एक प्रोसेस के थ्रू चलती है। तो मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि 30 सेकंड में इंग्लिश सीखें या 2 घंटे में इंग्लिश बोलना सीख जाएं या 6 दिन में हवाई जहाज उड़ाना सीख जाएं या 5 दिन में प्राइम मिनिस्टर बन जाएं। मैं ऐसा कोई वादा नहीं करूंगा। टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। पढ़ाई एक तपस्या है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। दुनिया में शायद किसी चीज का शॉर्टकट हो, लेकिन पढ़ाई का कोई शॉर्टकट नहीं है। और एग्जाम पास करना जिसका लक्ष्य होता है, उसे नॉलेज नहीं होती। वो पढ़ाई के बाद फिर नौकरी के लिए दूसरों को बोलता है, मामा जी मेरी जॉब लगवा दो, भाई साहब मेरे बेटे की जॉब लगवा दो। नहीं, अगर आपने नॉलेज ली है, एग्जाम के लिए नहीं पढ़े आप नॉलेज के लिए स्टडी की है आपने, तो आपकी जॉब कोई नहीं, आप खुद लगाएंगे, लोग आपके पास आएंगे, हमारे यहां जॉब करो। यस एंड दैट इज ट्रू। मैं आपको सही चीजें बताऊंगा, मैं कुछ भी सेकंडों में करने वाला नहीं बताऊंगा, क्योंकि पढ़ाई का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। ये सब अफवाहें हैं, ऐसी वीडियोस के चक्कर में ना पढ़े आप। बाकी आपकी इच्छा है, आप कुछ भी कर सकते हैं। मेरा ध्येय है कि आपको सच्चाई बताना, आज नहीं कल आपको ये समझ में आ जाएगा। तो पढ़ाई का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, कुछ भी 3 घंटे में नहीं आता है। मान लो मैंने कह दिया कि 1000 sentences ऑफ डेली यूज, तो भाई पढ़ने तो पढ़ेंगे आप, 1000 sentences के आधे घंटे में कर लोगे, आपको महीनों लग जाएंगे। और फिर उस सेंटेंस से अलग अलग कुछ इधर उधर हुआ तो आप याद करेंगे और वो कौन सा सेंटेंस था। तो ऐसे नहीं पढ़ना है, आपको जड़ में जाना है ताकि अपना बना के कुछ करो। राइट, नाउ वी टॉक अबाउट, सबसे पहले नाउन के बारे में बात करते हैं। देखिए एनीथिंग सिंपल डेफिनेशन है, एनीथिंग विच हैज अ नेम इज कॉल्ड नाउन। कोई भी ऐसी चीज जिसका कुछ नाम होता है वो नाउन होती है। देखिए आपने छोटी क्लासेस में सुना होगा या काफी लोगों ने ऐसा बताते हैं, मोस्टली लिखवा देते हैं कि एनी द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस थिंग बर्ड्स एनिमल इंसेक्ट्स इज कॉल्ड नाउन। तो अगर बर्ड्स एनिमल ही नाउन होते हैं तो पॉवर्टी क्या है? POVERTY, पॉवर्टी मीन्स गरीबी। देखिए अभी ये स्टडी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है।
आपको बहुत मजा आएगा ये सब पढ़ने में। पॉवर्टी मीन्स गरीबी। मजा कब आता है? जब चीजों को हम सीखने लगते हैं। जब तक मेरी समझ में नहीं आता है मुझे मजा नहीं आता है। मुझे मतलब कॉमन मैन, एनीबडी। और जब चीजें समझ में आती हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। 1000 sentence 30 seconds में रटो और ट्रांसलेटर बन जाओ। उसमें बस रटना होगा, मन नहीं लगेगा आपका। जब आप जड़ से चीजें सीखते हैं और कहां से ये निकला और कैसे चला, कैसे इसकी प्रोग्रेस हुई, तो एक प्रोसेस है। प्रोसेस के थ्रू चलने में बड़ा मजा आता है। तो पॉवर्टी मीन्स गरीबी। अब देखिए, गरीबी कोई इंसान नहीं है। बर्ड्स, एनिमल, इंसेक्ट्स, पर्सन, प्लेस, थिंग कुछ भी नहीं है, राइट? दिस इज अ स्टेट, स्टेटस और स्टेट। स्टेट मीन्स हालत, स्टेट मीन्स कहना भी होता है, स्टेट मीन्स राज्य भी होता है और स्टेट मीन्स हालत भी होता है। उसकी स्टेट अच्छी नहीं है तो स्टेट से स्टेटमेंट भी बनता है। क्या बोला? तो स्टेट माने हालत। किसी व्यक्ति की कैसी स्टेट है, कैसी स्टेटस है, क्या हालत है उसकी, पॉवर्टी की हालत है या रिच है वो, राइट? तो पॉवर्टी इज अ स्टेटस, इट्स नॉट अ पर्सन, प्लेस, थिंग, बर्ड्स, एनिमल्स। तो ये भी नाउन है लेकिन ये एक स्टेटस का नेम है, ये नाम है किसी कंडीशन का, राइट? अ पर्सन हु इज नॉट एबल इवन टू परचेज द थिंग्स ऑफ हिज डेली यूज। एक व्यक्ति जो अपने डेली यूज की चीजें भी नहीं खरीद सकता है उसको हम कहते हैं उसके पास गरीबी है। दैट इज दैट सिचुएशन, दैट कंडीशन ऑफ दैट पर्सन इज कॉल्ड पॉवर्टी। वो कंडीशन पॉवर्टी कहलाती है। तो इसलिए इसकी सिंपल डेफिनेशन हम याद रखेंगे, एनीथिंग विच हैज अ नेम इज कॉल्ड नाउन, राइट? यही नाउन है। अब देखिए, नाउन के डिफरेंट काइंड्स होते हैं बच्चे, राइट? नाउन के काइंड्स होते हैं और नाउन में देखिए काउंटेबल नाउन्स, काउंटेबल नाउन्स, ओके, अनकाउंटेबल नाउन्स, ओके, अनकाउंटेबल नाउन्स, राइट? और काउंटेबल नाउन्स जिन्हें काउंट कर सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन्स जिन्हें काउंट नहीं कर सकते, वो क्वांटिटी में होते हैं, राइट? जैसे मिल्क, वाटर, ग्रेन्स, अनाज। यहां पर ये अनकाउंट काउंटेबल नाउन्स 1, 2, 3 में काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसी में आता है नाउन जेंडर। हम बता रहे हैं आपको कि नाउन में क्या क्या पढ़ेंगे हम। नाउन जेंडर, जेंडर मींस लिंग, जैसे मेल, फीमेल या न्यूट्रल जेंडर, जैसे जिसमें जान नहीं होती, बेजान वस्तुएं, तो नाउन जेंडर, ओके, ये सब हम पढ़ेंगे, ओके, और सिंगुलर, ओके, सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन, ओके, सिंगुलर मींस वन, प्लूरल मींस मोर देन वन, एक कोई चीज है तो सिंगुलर नाउन, एक से ज्यादा है तो प्लूरल नाउन। तो देखिए, काउंटेबल नाउन्स, अनकाउंटेबल नाउन्स, नाउन जेंडर, सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन, ये सब एक चीज है नहीं है, ये डिफरेंट है। इसमें ये हम पढ़ेंगे नाउन के अंदर। अब देखिए, किसी भी चीज के नाम को नाउन बोलते हैं। कोई भी चीज जिसका नाम है वो नाउन है। इसके अलावा हम ये भी पढ़ेंगे
नाउन काइंड्स, नाउन काइंड्स, देयर आर फाइव काइंड्स ऑफ नाउन। फाइव काइंड्स ऑफ नाउन। तो आज इतना ही करेंगे हम, नाउन, व्हाट इज नाउन, नाउन के काइंड्स, और ये भी पढ़ेंगे हम, काउंटेबल नाउन्स, अनकाउंटेबल नाउन्स, नाउन जेंडर, सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन, ये हम पढ़ेंगे। आप इसे नोट कर सकते हैं, आज की क्लास में इतना ही लूंगा, ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा। नाउन, नाउन काइंड्स, पहला नंबर ये, दूसरा नंबर नाउन काइंड्स, और तीसरे नंबर पे ये सब है, इनको हम पढ़ेंगे, इन काइंड के साथ ही इन्हें पढ़ लेंगे, जेंडर डिफरेंट होगा, इसे बाद में पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, मैं जो आपको आज जड़ बताना चाहता हूं कि आप ऐसे किसी वीडियो के चक्कर में ना पढ़ें कि 3 घंटे में इंग्लिश सीखें और 4 घंटे में ट्रांसलेशन सीख लें और 6 मिनट में, 30 सेकंड में, मैं ये भी देखता हूं कहीं कहीं लिखा है 30 सेकंड में रोजमर्रा के सेंटेंस देखें, ये बहुत लुभावना लगता है, बंदा ऐसे क्लिक करता है, राइट। सो स्टूडेंट्स, आप ये ध्यान रखें कि एग्जैक्ट क्या है, हर चीज की एक प्रोसेस है, प्रोसेस को आपको याद रखना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, इसी के साथ इसे ध्यान से देखें, वो वर्ड्स भी देखते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो वॉच करने के लिए, बहुत आपके प्यार का आभारी हूं मैं, थैंक यू सो मच। कमेंट्स डालें, बेल आइकन क्लिक करें सब्सक्रिप्शन के साथ, और लाइक्स भी करें। आप सबको होली की शुभकामनाएं मेरी तरफ से, और रंग गुलाल के साथ आज खेले होंगे आप। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय श्री राम, जय हनुमान।